we gon' burn it down. Burn it down. We gon' burn it down. Burn it down. I killed it, it's murder. 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 Go crazy, berserker. 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 तो भाई लोग अब हम खेल रहे हैं सोलो वर्सेस स्क्वाड और आपको आज कुछ नूब वर्सेस प्रो की टिप देने वाला हूँ, ठीक है। मेरे को ऐसे खेलना तो आता नहीं है लेकिन फिर भी भाई टिप दे देता हूँ। तो सबसे पहली टिप है भाई, अगर आपके साथ बहुत सारी ऊपर स्क्वाड उतर रही हो तो आप एक ऐसी जगह सेलेक्ट करो जहाँ पे घर कम हो और एनिमीज ना हो, ठीक है। अब वो लोग क्या थे, वो लोग देख सकते हो आप लोग लेफ्ट में, वो लोग एक साथ उतर गए, ठीक है। अगर मैं उनकी भीड़ में उतर जाता ना तो मेरे को गन मिलती और बंदे मिल जाते, और भाई अगर उनको गन मिल जाती तो आपको पता ही है क्या करते, मतलब मेरे को गन तो देने नहीं आते लेकिन मेरे को मार जरूर जाते, तो मैं उनके साथ नहीं उतरा। सबसे पहली टिप ये है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टिप है। आप आर्केड खेल रहे हो, आप कुछ भी खेल रहे हो, मैंने आर्केड लगा के आपको थोड़ा बहुत एग्जांपल दिया है, मतलब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए, ठीक है। और गन वन ले लेना है, गन वन अगर आपको ये नहीं सोचना है कि भाई आपको पहले गन मिल गया ब्रश कर दो, ठीक है। आर्केड मैच है, कोई भी मैच है यार, मतलब उनके पास भी गन होगी यार, मतलब आप ये सोच के चलो उनके पास भी गन मतलब हो सकती है। आप सही मौके का फ़ायदा देखो, जब वो लोगों का आप पे ध्यान ना हो, उनको पता ना हो, आप अपनी लोकेशन हर वक्त चेंज करते रहो, जब उन लोगों का आप पे ध्यान ना हो तब आप रश कर दो। अब जैसे वो बंदे का किसी पे ध्यान नहीं था, बस उसका लूट करने पर ध्यान था, तो भैया मैंने फटाफट से उसको नॉक कर दिया है और मेरे पास थी ग्रोज़ा, ठीक है, बहुत ही आसानी से मैं उसको नॉक कर दिया है। और अब हम जाने वाले भाई उसको मारने, ठीक है। तो भाई बस सोलो वर्सेस स्क्वाड में आपको यही ध्यान रखना है, आपको भीड़ के बीच में नहीं उतरना, आपको अपना अलग से एक प्लेस डिसाइड करनी है, उधर ही आपको उतरना है। आपको लूट वूट मिल जाएगी, कोई बात नहीं, लूट पबजी में इतनी कम भी नहीं है कि भाई आपको एक गन ना मिले। आपको गन वेस्ट हेलमेट मिल जाए, जब तक आपको हेलमेट वेस्ट लेवल 2 का ना मिले आप भाई किसी के घर में घुसो ही मत, आप अपने घर में भी मत घुसो, मजाक कर रहा हूँ। आप मतलब पहले हेलमेट वेस्ट ढूंढो और उसके बाद एक गन ढूंढो अच्छा सा, कम से कम आपके पास एक अच्छी गन होनी चाहिए और एक शॉर्ट गन तो साथ में रखो ही रखो, ठीक है। अगर आपको घर में घुस के फाइट करना है तो भाई शॉर्ट गन से ओपी कोई गन नहीं है, क्रोज़ा भी नहीं है, डीपी भी नहीं, कोई गन नहीं है, ठीक है, कार 98 भी नहीं है, ठीक है। तो भाई साहब इधर सामने की तरफ एक बंदा बैठा मतलब जा रहा था, मैंने उसको फटाफट से मार दिया। और अगर आपको सोलो वर्सेस स्क्वाड में प्रो बनना है ना, तो भाई साहब मैं तो कोई प्रो प्रूव नहीं हूँ, मैं तो भाई नूब हूँ, मैं सीधी सीधी बात बता रहा हूँ। अगर आपको सोलो वर्सेस स्क्वाड में प्रो बनना है ना, तो आप पहले आर्केड में सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलो, ना कि आप इरेंगल में खेलो, फालतू में आपका लीग माइनस हो जाएगा, मतलब आपका माइनस में चला जाएगा यार, 30-40 माइनस मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप लोग आर्केड में सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलो, बेस्ट होता है यार, एकदम मतलब मज़ेदार है। और भाई हर वक्त अपने एनिमी को डिस्ट्रैक्ट करो, ठीक है। अगर आपने अभी यहाँ पर मैं देख सकते हो अभी सामने की तरफ बहुत सारे बंदे हैं, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। अभी सामने की तरफ बहुत सारे बंदे हैं, मैं सीधा घुस गया तो भाई मेरा क्या होगा आपको पता ही है। तो मैं क्या करूँगा, मौके की तलाश में रहूँगा, जब वो लोग बाहर आएंगे तभी मैं जाऊँगा। अब वो लोग बाहर आ चुके हैं तो मैंने काफ़ी ज़्यादा एक बंदे को नॉक कर दिया, दूसरे बंदे को डैमेज दे दिया, लेकिन वो तो भाई मिल्खा सिंह निकला, एक बंदे ने मेरा किल चुरा लिया और जो भाई डैमेज लेके गया था वो भाग गया, ठीक है, मतलब बहुत सही। तो मैं पीछे से गया, आपको सामने से नहीं जाना, अगर मैं उसके पीछे से चला जाता तो भाई जो बंदा उसको डैमेज दे रहा था वो मेरे को मार देता, उधर के सामने एक और बंदा है, मतलब वो भी बॉट है, मतलब वो बॉट है पता नहीं क्या है, मतलब उसने भी मेरे को देख लिया। तो इधर से मैंने इस सामने वाले बंदे को भी दिया डैमेज जिसने मेरा किल चुराया। तो आपको यही करना है, हर वक्त अपनी लोकेशन चेंज करके रखनी है, अगर आप लोकेशन चेंज नहीं करोगे तो भाई आपका कुछ नहीं होगा। और अगर आपके एनिमी के पास शॉटगन हो ना तो उससे भाई ज़्यादा पंगा वंगा मत लेना, क्योंकि मुझे नहीं पता था वो सामने वाले बंदे के पास शॉटगन थी और भाई साहब वो शॉटगन लेके आ गया मेरे को, मैंने ये 2-3 गोली मारी तो भाई उसने मुझको फटाफट से मार। तो यार जो अगला टिप है ना वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे खुले में लूट मत करो। अगर आप सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हो, अगर आपको लूट नहीं मिल रही है तो आप किसी को तब आप कर सकते हो, मतलब आपको बिल्कुल भी लूट कहीं नहीं मिल रही तब कर सकते हो, लेकिन आप ऐसे खुले में लूट कर रहे हो और सोलो वर्सेस स्क्वाड में आप नॉकआउट होने वाले नहीं हो, आप सीधा किल होने वाले हो, ठीक है, आपका ख़त्म हो जाएगा सीधा। आप ये खुले में लूट मत करो, ठीक है, ये सबसे बैड हैबिट है, मतलब ऐसे करोगे तो आपको कोई ना कोई तो ऐसे ही मार देगा, उसका भी एम होगा। और भाई जो अगली टिप देने वाला हूँ वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप क्या करते हो, जैसे भी सामने मेरे बंदा है मैंने उसको नॉक कर दिया, आप क्या करते हो भाई, उसको नॉक करते हो और
चले आते उसको मारने के लिए, ठीक है। आप ये नहीं देखते कि भाई उसको नॉक किया तो उसके बंदों को भी तो खबर मिली है, आप उस उनको भी तो आपके निशान वगैरह आ गए, मतलब मैप में आपको उनको दिख गया कि आपने कहाँ से गोली चलाई, और वो बंदा भी बता रहा होगा कि भाई मेरी इधर एनिमी, मतलब आप उसको किल करने में लगे होते हो, उधर से आपको पीछे से कोई मार जाता है, तो आप किल मत करो, ढूंढो उसके बंदे, मतलब इधर उधर अलर्ट हो जाओ, उसको छोड़ दो, ठीक है, वो नॉकआउट हो गया, वो छोड़ दो उसको, जब उसका बंदा उसको रिवाइव करने आया, ठीक है। अब ये बंदा पता नहीं क्या करने आया, उसका ही बंदा था, ये बंदा रिवाइव तो करने नहीं आया था, ये बंदा मेरे को ढूंढने आया था क्योंकि मैंने इसके बंदे को मारा था। तो भाई साहब ये इसने मेरे को ढूंढने की कोशिश की, तो मैंने इसको फटाफट से आराम से मार दिया, ठीक है। और भाई अगली जो टिप है ना, वो मैं आपको थोड़ा बहुत एग्जांपल के साथ देने वाला हूँ, क्योंकि यार आप मतलब इस टाइप से ही सीखोगे, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत अगर मैं आपको थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा तो ही सीखोगे। तो भाई सामने की तरफ पता नहीं किधर इधर मेरे को फुटप्रिंट्स आ रहे थे, ठीक है। तो भाई साहब अपन ने यहाँ पे बॉम्ब बूम फेंकना शुरू कर दिया, ठीक है। तो मैंने सीधा डायरेक्ट पुश नहीं किया क्योंकि भाई साहब मेरी पुशिंग अच्छी नहीं है सोलो वर्सेस स्क्वाड में, तो मैं पुश करके वैसे ही मर जाऊँगा। तो सामने की तरफ दिख रहा है भाई, यहाँ पर मेरे घर है, इधर से आ रही थी शायद आवाज़, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो सामने की तरफ भी एक बंदा भाग रहा है, आप ये मत करो, अब जैसे मैं ये करने वाला हूँ तो सामने की तरफ एक बंदा आ रहा है, मैंने उसको मारने के चक्कर में क्या किया, इधर से मैंने एम लगाया, पिक किया और फिर बिना पिक करे ऐसे ही मारने लग गया। तो जैसे मैंने उसको मारा, उसको तो गोली लगी नहीं, मेरा लोड पे गया, और भाई साहब जो बंदा टीपीपी ले रहा था, भाई साहब उसने मेरे को टीपीपी ले गई मार दिया। तो ये थे यार कुछ टिप्स, ज़्यादा आपको बता नहीं सकता क्योंकि यार वीडियो लंबी हो जाएगी भाई, मतलब आपको देखने में ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, उसके लिए मैं आपको थोड़ा बहुत और बता दूंगा अगली वीडियो में, और थोड़ा बहुत आपको करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो भाई लाइक कर दो, अभी मैं सामने की तरफ एक बंदा मारने वाला हूँ पिक करके। अगर आपको थोड़ा बहुत ये शॉट अच्छा लगे 4x लगा के, तो भाई साहब लाइक कर देना इस वीडियो पे, और भाई कमेंट कर देना यार प्लीज़, यार आपका एक कमेंट मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है अगली वीडियो बनाने के लिए। तो भाई साहब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।